के कोरोना लगाया जा रहा है। बराए मेहरबानी मेरी इस वीडियो को शेयर करें। मैं आपकी अभी आपको और भी वीडियो दिखाता हूँ जो बंदे बिल्कुल नॉर्मल थे। कल से मैं आज तक अभी तक मुझे यहाँ 12 दिन हो गए हैं। मैंने 12 दिन में कोई 15-20 लाशें यहाँ नॉर्मल वार्ड में से निकाली देखी हैं, निकलती देखी हैं। ये कोई ICU नहीं है, ये नॉर्मल वार्ड है। ना इनको ऑक्सीजन लगी है, इस औरत को कुछ भी नहीं है, और इस औरत को भी कुछ नहीं था जिसको इन्होंने 3 बजे रात को सुला दिया पक्की नींद। ये मेरे सामने इसका दम निकला इस औरत का। नर्स सही है, उसने इंजेक्शन दिया, उसके बाद इसकी दिल की धड़कन कम हो गई। तो मेरी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आला हुकाम तक इसको प्लीज़ भेजें। जो भी यहाँ पे एमरजेंसी में आता है उसको फौरन कोरोना में डालते हैं। इन्होंने खाते पूरे करने हैं, लाशों के सौदे करने हैं, किए हुए इन्होंने सौदे। बराए मेहरबानी मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई हाल नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे किसी को, कुछ भी नहीं दे रहे। बस वैसे पकड़ के बिठाया हुआ इनको बस। तो ये लाश देखें, इसको ये वारसों के हवाले भी नहीं हो रही। इसको कुछ भी नहीं था इस औरत को, इसको सिर्फ आई है, इसको दमेगा को मसला था, दमे का मसला था कोई इसको। तो इन्होंने कोरोना में डाल के उसको रातों रात ही फार कर दिया। और ये नॉर्मल वार्ड है, ये कोई ICU नहीं है, ये नॉर्मल वार्ड है, ये नॉर्मल वार्ड है जिना अस्पताल का सीना वार्ड है, उसमें ये पड़ी हुई है। लेकिन कोरोना की पेशेंट है, कोरोना की पेशेंट इसको बना दिया गया। इसलिए मेहरबानी करें मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आला हुकाम तक ये मेरी बात चली जाए। तो ताकि लोग इन हस्पतालों से, हमें बड़ी तवक्को थी कि ये डॉक्टर्स मसीहा हैं, लेकिन ये मसीहा के नाम पे जल्लाद हैं। शुक्रिया मेहरबानी। ये भाई हैं ये भाई हैं जी। थानू कद नहीं लिया इतने दसो? मुझे बुखार था जी। खाली बुखार था तुम्हें? हाँ जी बुखार जी। और इसके अलावा कुछ भी नहीं? इन्होंने कोरोना कैसे बना दिया, खुद से बना दिया कोरोना? बस आपको कोई परेशान, इसके अलावा कोई तकलीफ, खांसी, कोई और परेशानी? कोई देखे ऑक्सीजन कुछ भी नहीं था। तो ये तो रात परसों लड़का आया, उन्होंने दी पुलिस वाला था, 26-27 साल का, और सांस का प्रॉब्लम था, ICU मारता उन्होंने पैक करता कोरोना। बॉडी भी नहीं दी थी उन्होंने, अगर कोई बंदा बोलते बेईमानी करते पे, पता नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी की करते पे, सब बकवास है। हर बंदे कोरोना कटी जाते पे, रामकोट लगे 100-50 दो अंतर आम दें, उन्हें कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। एमएसएम चले जाती है, एमएसएम सब बकवास है। तो देखिए नाजरीन, ये आपने देख लिया कि ये हाल जिना हॉस्पिटल में है इस वक्त मैं देख रहा हूँ। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आला हुकाम तक हमारी ये बात जा सके। तो ये वीडियो मैं बड़े ही एहतियात से बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आने की इजाज़त तो नहीं है, लेकिन मैं मजबूरी है, मेरे वालिद इधर एडमिट हैं, इस वजह से मैं यहाँ किसी भी तरीके से बाहर पैसे दे कर आया हूँ। गार्डों को पैसे दिए मैंने यहाँ पे मतलब करके, अब अपने वालिद साहब की वजह से, ये सब दोस्त हैं मेरे, तो हम इनसे दाएं बाएं हो नहीं सकते कि जैसे कि इन्होंने साथ वाली औरत को इंजेक्शन लगा के कत्ल किया है, इसी तरह हमें ये फिक्र है कि कहीं हमारे बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, सारे इधर हैं, इनके साथ भी ये सलूक ना हो। तो मेहरबानी आप भी ज़रा एहतियात रखें, इन हस्पतालों से बचें थोड़ा सा। ये लाशों के सौदे कर लिए इन लोगों ने, आए ना, हाँ, इससे अच्छा है प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाएं, अपना प्राइवेट अपना टेस्ट करवाएं। ये कुछ भी नहीं है, यह कोरोना शरोना ये सब ड्रामा चल रहा है, एक ड्रामा है। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह।